बात करेंगे नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की। जी हां, कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के। विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। आपको बता दें कि शपथ समारोह में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े विपक्षी दल है उनको न्योता भेजा गया है। आपको तरह नाम भी बताते हैं, शरद पवार, नीतीश कुमार, अखिलेश को निमंत्रण भेजा गया है। तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है कर्नाटक में, और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जहां पर सिद्धरमैया सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वही डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन देखिए, यहां पर बड़ी बात यह है कि शपथ समारोह जो कल देखने को मिलेगा, इसमें विपक्षी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के जो बड़े बड़े विपक्षी दल है उनको न्योता भेज दिया गया है। नाम आपको जरा एक बार फिर से बता दें, शरद पवार, नीतीश कुमार, अखिलेश को शपथ समारोह में आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा तो एकजुटता का संदेश यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखिए, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश भी है और एकजुटता का संदेश देने की तैयारी यहां पर की जा रही है। और इसी कड़ी में देखिए आप, यहां पर जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको न्योता भी दिया गया है। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, विपक्षी दल के बड़े नेता हैं और अलग अलग तबके में इनका प्रभाव भी देखा जाता है। तो देखिए, कल कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। दोपहर को 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा की जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि विपक्षी दल के नेताओं को यहां पर न्योता दिया गया है, निमंत्रण उनको भेजा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह में वो भी शामिल हो, और इसी के जरिए यहां पर विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की पूरी तैयारी है। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, जी हां, और सिद्धरमैया सीएम होंगे, सीएम फेस होंगे, और वही डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार होने वाले हैं। तो कल शपथ दोनों ही ग्रहण करेंगे और विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की तैयारी कांग्रेस यहां पर कर रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस के जो बड़े विपक्षी दल हैं उनको न्योता भेजा गया है। तो शरद पवार, नीतीश कुमार, अखिलेश को निमंत्रण भेजा गया है कि कल नई सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचे और यहां पर पहुंचकर एकजुटता का संदेश दे। देखिए, एकजुटता का संदेश देने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से है, और हाल ही में जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए, 10 मई को मतदान हुए थे, 13 मई को नतीजे आए थे, और इस बार कांग्रेस ने बड़ी जीत, जी हां, प्रचंड जीत कांग्रेस ने हासिल की है। 135 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। भाजपा की बात की जाए तो 100 के अंदर ही सिमट गई थी, तो बड़ी जीत कांग्रेस को मिली। उसके बाद सीएम फेस को लेकर कश्मकश बनी रही, और उसके बाद तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया होंगे, तो वही डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार होंगे। तो दोनों ही कल सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, और ऐसे खास मौके पर जो तमाम कांग्रेस शासित राज्य है वहां के दिग्गज तो पहुंचेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, शरद पवार, नीतीश कुमार और अखिलेश को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज़ एक्टर शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, लोकसभा चुनाव भी है आगे, और ऐसे में देखिए कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया है, क्या संदेश देने की तैयारी? देखिए, कर्नाटक की जीत को कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता के एक संदेश के तौर पर आप याद कीजिए, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हम कांग्रेस को 200 सीटों पर समर्थन देंगे। ये बात उन्होंने कही थी, और ये भी कहा था कि अगर विपक्षी दल, जो गैर भाजपाई विपक्षी दल हैं, जो भाजपा की विचारधारा की मुखालिफत करने वाले विपक्षी दल हैं, अगर वो एक साथ खड़े हो जाएं तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। तो विपक्ष भी ये चाहता है कि कर्नाटक की जीत को कहीं ना कहीं ये प्रचारित करते हुए प्रस्तुत किया जाए कि बीजेपी को भी परास्त किया जा सकता है और अच्छे तरीके से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाए। तो जिस तरह कर्नाटक में 224 में 135 सीटें आई हैं, तो वैसे ही 2024 के चुनाव में भी एक अच्छा प्रदर्शन और एक अच्छा मुकाबला बीजेपी के साथ गैर भाजपाई विपक्षी दल कर सकते हैं, और इसीलिए ये पूरा जो आयोजन है इसको विपक्षी एकजुटता के एक आयोजन के तौर पे भी कांग्रेस प्रस्तुत करना चाहेगी। तृणमूल कांग्रेस, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, वो तमाम चेहरे जो भाजपा की नीतियों की, भाजपा की राजनीतिक धारा की आलोचना करते हैं,
वो इस कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। बिल्कुल। तो शरद जी, कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह तो हम देखेंगे, साथ ही साथ मंच से विपक्षी एकजुटता का संदेश भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।